पैनल है 3-phase न्यूमेरिकल ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले के लिए। इस पैनल से हम एक न्यूमेरिकल रिले कैसे ऑपरेट करती है जब वो ओवर वोल्टेज कंडीशन में जाती है और अंडर वोल्टेज कंडीशन में जाती है, ये समझने के लिए ये पैनल बनाया गया है। इस पैनल में जो अलग अलग इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 3-phase मेंस एसी का पार्ट है जिसके अंदर हमने एक एमसीबी लगा रखी है, जो कि इस एमसीबी को ऑन करने के बाद ही एलईडी ऑन हो जाती है और यहाँ पे 3-phase सप्लाई आ जाती है। जो उसका अगला पैनल है वो है 3-phase मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अंदर ये एक मल्टी लाइन वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी, फेस टू फेस, लाइन टू न्यूट्रल दोनों दिखाने के लिए है। इसमें दो मोड्स होते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल प्रोग्रामिंग और डिस्प्ले और प्रोग्रामिंग। हमें रिले पैनल को ऑन करते ही इसे मैनुअल मोड में डाल देना है, जिससे ये तीनों इन लाइंस में लाइन टू वोल्टेज वोल्टेज डिस्प्ले कराएगा। ये एक वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने, जो कि 500 वोल्ट एसी तक मेजर कर सकता है। ये हमने 96 mm x 96 mm का एसी करंट मीटर लगा रखा है, जो कि 20 एम्पीयर तक मेजर करता है। ये पैनल है रिले का पैनल, इसमें हमने रिले लगा रखा है। ये एलईडी लगा रखी है हमने अंडर वोल्टेज रिले के लिए और ये लगा रखी है ओवर वोल्टेज रिले के लिए। ये इस रिले के इनपुट्स हैं जो कि इस एमसीबी के थ्रू इधर आउटपुट पे आ रहे हैं। ये जो चार इनपुट्स आप देख रहे हैं ये एमसीबी के आउटपुट हैं और ये जो चार इनपुट आप देख रहे हैं ये इस रिले के इनपुट हैं। उसके बाद ये जो नीचे आप पैनल पे देखेंगे ये एससीआर एक्चुएटर वेरिएबल एसी, इसके अंदर हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए 3-phase एसी को, जो यहाँ से इनपुट आती है, उसको वेरिएबल 3-phase एसी बनाते हैं ताकि हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। ये पैनल हमारा रेजिस्टिव लोड का पैनल है। इस पैनल में जब हम ऑफ पोजीशन में रखते हैं तो ये इनपुट्स, इसके जो ये तीनों इनपुट्स हैं वो हम यहाँ से लेते हैं। जब हम इसको ऑन पोजीशन में रखते हैं तो इसके जो ये तीनों इनपुट्स हैं इंटरनली इस सेक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम इसकी फायरिंग देख सकते हैं। इसके साथ हम आपको एक 3-phase का वेरिएक भी सप्लाई करते हैं, जिससे हम एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का।